गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने लगी हूँ वेट लूज जल्दी करने के। पहला रूल है 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। और जो सेकंड रूल है, आपको डेली लाइफस्टाइल में 3 से 4 लीटर पानी इंक्लूड करना ही चाहिए। और जो थर्ड रूल है वो है आपको, आप ये कोशिश करें कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। और फोर्थ रूल है, आप डेली वेट चेक करें और अपनी नोटबुक में लिख लें कि आपको पता चले आपका वेट कितना है। फिफ्थ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि आपका वेट जल्दी लूज़ हो सके। और कोशिश करें कि आप डेली लाइफस्टाइल में अपने 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज को इंक्लूड करें ताकि आपका वेट लूज बहुत जल्दी और आसानी से हो सके। तो मेरी 40 मिनट की एक्सरसाइज डन हो चुकी है। मैंने 40 मिनट किया है, मैंने धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा दिया। पहले मैं 30 मिनट की करती थी, अब मैंने 40 मिनट कर दिया है, तो डन हो चुकी है आज की एक्सरसाइज। गाइस, सुबह जो उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है मेरे रूम को क्लीन करना, ताकि अगर आपको मालूम है जब आपका रूम, आपका घर अच्छे से साफ होगा तो आपका मन भी लगेगा हर चीज़ करने में। तो मैं अच्छे से सुबह सुबह उठ के ही अपना रूम बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वो मेरा लैपटॉप पड़ा है, अभी मेरे को काम करना है उस पर, तो आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है का एरिया भी, कितना साफ हो गया। मेरे को सुबह सुबह अच्छा लगता है कि सुबह सुबह डस्टिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, ताकि आप सारा दिन आपको टेंशन ना हो कि मेरे को डस्टिंग करनी है, मेरे को साफ करना है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपना ये सारा काम कर लेती हूँ। तो कितना क्लीन कर दिया है, कपड़े हैं तो बस मशीन लगाने लगी हूँ। सुबह सुबह कपड़े भी धुल जाएंगे तो सारा दिन धूप तो सूख जाएंगे, बस मैं मशीन लगाने लगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिन निकला है। अभी अभी मैं 40 मिनट का अपनी एक्सरसाइज करके हटी हूँ, तो डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अब मैं अपनी फर्स्ट ड्रिंक लेने लगी हूँ। फर्स्ट ड्रिंक में मैं आज सोच रही हूँ कि मैं लूँ गुनगुना पानी, तो मैं एक गिलास आज सुबह लूंगी हल्का गर्म पानी करके, मैं उसको लेने लगी हूँ। मेरी खिड़की से व्यू दिखता है और कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई, सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा है। और ये मनी प्लांट है यहाँ पर, और ये रखा हुआ मेरा गुनगुना पानी हो रहा है। मैं ये वाला बड़ा गिलास पूरा भर के सुबह सुबह अपनी मैं फर्स्ट ड्रिंक ले रही हूँ। इसमें आज मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी। वैसे जीरा पानी भी ले सकते हैं और सौंफ का पानी भी ले सकते हैं, मैं डेली बदलती रहती हूँ। आज मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ। मैं एक सिप सिप लेके पीऊंगी, आराम से पीऊंगी। मेरे को अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है कि आप मॉर्निंग रिलैक्स होकर बैठो और अपनी एक ड्रिंक लो, कोई भी, चाहे वो जीरा पानी हो, सौंफ का पानी हो या हल्का गुनगुना पानी हो, जो आप लेते हो वो आप ड्रिंक लो सुबह सुबह। इससे हमारी, आपको पता है, बॉडी कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मेरे को अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना बहुत ज्यादा पसंद है। कल मैं मटर लेके आई थी मार्केट से, तो बहुत अच्छे निकले मटर, काफी दाने निकल गए हैं इसके, तो इसको मैं छील रही हूँ। दोपहर में इसका यूज हो जाएगा, किसी चीज में डाल लेंगे। साबूदाना मैंने रात को भिगो के रखा था, उसमें मैं मटर जरूर डालती हूँ, तो उसका यूज कर लेंगे। मटर मैंने सुबह सुबह छीन लिए हैं, काफ़ी टाइम था मेरे मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में आज मेरा मन कर रहा है कि मैं फ्रूट्स कट करूँ, तो देखते हैं फ्रिज में कौन से फ्रूट्स हैं, फिर मैं वो कट कर नाश्ते में ये लेने लगी हूँ खरबूजा, इसको मैं कट करके आधा लूंगी। नाश्ते में मैंने अपने कट किए हैं फ्रूट्स। मैं डेली अपना नाश्ता चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं लेती हूँ पराठा, ले लिया एक पराठा ले लेती हूँ, कभी ओट्स, कभी मैं ले लेती हूँ ये पोहा खा लेती हूँ, कभी म्यूसली, और कभी मैं कोई शेक बना लेती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था फ्रूट्स कट करूँ, तो मैंने ये आधा खरबूजा कट किया, पूरा बाउल भरा हुआ। अब मैं इसको बालकनी में एंजॉय करते हुए व्यू के साथ आराम से खा रही हूँ। आपको डेली अच्छा सा नाश्ता अपना खाना चाहिए, जो आपका मन करे आप वो खाओ, बस आप उसको क्वांटिटी आप थोड़ी कर दो, थोड़ी सी खा लो। जैसे मैंने एक पूरा बाउल ही कट करके खा रही हूँ अब मैं, तो बस अब मैं आराम से बैठ के धीरे धीरे चबा कर खाऊंगी। ये मैं दूध लाई थी, दूध को मैंने कहा फटाफट इसको उबलना रख दूँ, नहीं तो गर्मी है खराब हो जाता है। और सुबह सुबह जितने काम हो जाए ना सही रहता है, तो फिर मैं दूध सुबह सुबह उबालूँ ताकि ठंडा हो, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँ। अभी हो गया लंच का टाइम, तो मैं अपना लंच बनाने लगी हूँ। तो रात को मैंने साबूदाना अपना भिगो के रखा था, तो बस मैं आज बनाऊंगी साबूदाना खिचड़ी। तो चलो बनाते हैं आज आपको मैं साबूदाना की छोटी सी एक रेसिपी भी बताऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। मैं लंच रेडी करने जा रही हूँ, लंच में बना रही हूँ आज साबूदाना। उसमें मैंने एक आलू कट किया है, 2 टमाटर, और ये मैं मटर वाला साबूदाना बनाऊंगी। मेरे को बहुत ज़्यादा यमी लगता है और पेट को ठंडा भी करता है, तो आज मैं बनाऊंगी अपने लंच में साबूदाना। प्रिपरेशन कर लिए, सारा सामान रख लिए ताकि मेरे को कुछ मुश्किल ना हो, बार बार सामान उठाना पड़ता है। तो ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। बस मैं इतना सा इसमें इतना जितना तेल डालूंगी, 1 चम्मच जितना सरसों का तेल, अच्छे से इसको साड़ लिया है। मतलब मेरे को स्मेल आती है ना सरसों का तेल, तो मुझसे खाया नहीं जाता। तो इसमें अपने आलू कट किए हुए डाल रही हूँ, अपने करके रखे थे, मैं सारे मटर इसमें डाल दूँ। मेरे को मटर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो ओट्स हो या फिर उपमा बनाओ या फिर पोहा बनाओ। और मेरे को साबूदाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं मटर, तो मैंने इसमें डाले हैं। टमाटर भी इनके साथ ही डाल दूंगी क्योंकि सारा कुछ अच्छे से पक जाएगा। नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। मैं मिर्च नहीं खाती हूँ, तो मैं मिर्च बिल्कुल हल्की सी इतनी इसमें मिर्च रखूँगी। हल्दी भी डालूंगी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हल्दी डली हुई इसमें हो, तो प्यारी लग रही है। कलरफुल सब्जियाँ, आलू, टमाटर और मटर, तो इसको मैं अब पकने के लिए ढक के छोड़ दूंगी।
पाँच दस मिनट के लिए, क्योंकि मटर है और आलू है वो अच्छे से गल जाए, फिर हम इसमें साबुदाना डालेंगे। फिर रख दिया, पाँच दस मिनट के ढक के रखा है ताकि अच्छे से सारा मसाला भून जाए और आलू और मटर गल जाए। मसाला भून चुका है, मटर भी गल गए हैं और आलू भी गल गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें अब मैं थोड़ी सी पीनट्स डालूंगी, इसमें साबुदाना है जो वो डाल दूंगी। अरे निकल जा, यमी साबुदाना खिचड़ी रेडी है। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं एंड लंच में भी ले सकते हैं। आप देख सकते हो हेल्दी साबुदाना खिचड़ी रेडी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है और ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि साबुदाना आपको मालूम है जैसे ये ठंडा होता है। मैं इसके साथ लूंगी दही साबुदाना, तो दही मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और ये होममेड दही है, मैंने अपने घर में जमाया है ये दही। तो गाइज ये बनके रेडी हो चुके, देखो आप कितनी खिली खिली है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अब बस मैं अपनी प्लेट रेडी करने लगी हूँ, अपनी लंच की प्लेट। साबुदाना खिचड़ी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो लंच में मेरी साबुदाना खिचड़ी रेडी है। आप लंच में कुछ भी ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। मेरा मन करा था खिचड़ी बनाने का, तो मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था इसको, साबुदाने को। और साथ में मैं दही जरूर लेती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा यमी लगता है साबुदाने के साथ दही। तो प्रॉपर मैं देखो आप पूरी प्लेट भरी हुई है, तो मैं अच्छे से लंच कर रही हूँ। बस मैंने क्वांटिटी इसकी थोड़ी लेस की है, आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है, मतलब एक कटोरी जितना ये साबुदाना होगा। आप भी अपना लंच इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी हमेशा मैं लंच करने के 30 से 40 मिनट बाद लेती हूँ, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं ये डेली लेती हूँ। तो अभी मैं अपने लंच के 40 मिनट बाद ले रही हूँ अजवाइन का पानी, जिससे हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए मैं डेली इसको जरूर लेती हूँ, इंक्लूड करती हूँ। इसको पीना भी चाहिए, इससे हमारे फैट जो पेट का फैट होता है वो बहुत जल्दी कम होता है और जो हमारा हाजमा है वो बहुत अच्छा रहता है। A few moments later. Guys, अभी हो गए हैं शाम के 4 बज चुके हैं। अभी मैं अपनी कोई ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। मैं आज ग्रीन टी नहीं लूंगी, ग्रीन टी मैं देखूंगी नाइट में ले लूंगी, नाइट ड्रिंक में। लेकिन अभी मैं लेने जा रही हूँ ब्लैक कॉफी। तो मैं ब्लैक कॉफी बनानी है, बस पानी गर्म करना है, उसमें कॉफी डालनी है। इधर सीट बन गई ब्लैक कॉफी। स्नैक में खाली मैं कॉफी ले रही हूँ ब्लैक कॉफी। इसमें मैंने कुछ भी चीनी या कुछ भी ऐड नहीं किया, शहद वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली ऐसी कॉफी और पानी मिलाया बस, और कुछ नहीं। ब्लैक कॉफी मैंने तैयार किया, कुछ खाने का मन नहीं क्योंकि मैंने साबुदाना की खिचड़ी खाई थी, तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो खाली मैं ये पी रही हूँ ब्लैक कॉफी, और मेरी आज ना एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही थी, तो मैं इस टाइम एनर्जी ड्रिंक है ब्लैक कॉफी। तो मेरे से ना जैसे ही मैं ये ब्लैक कॉफी पीती हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, हाई हो जाती है। तो आज मैंने इवनिंग टी में रखा आपने ये ब्लैक कॉफी। 5:30 बजे हुए हैं और आप मौसम देख सकते हो, अभी भी धूप है। और ये मेरा दोस्त बैठा है, मेरा दोस्त छोटू सा, पता नहीं इसकी एक और पार्टनर है वो कहाँ, आई थिंक सो। वो देखो कितनी ऊपर बैठी हुई जाके, दोनों नाराज ही रहते हैं, पता नहीं क्या है इनको। तो 6 बजे तक मैं अपना डिनर डन करती हूँ, अभी 5:30 हो चुके हैं। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ डिनर में टोमेटो सूप। तो चलो डिनर के लिए बनाने लगी हूँ टोमेटो सूप। उसमें मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं और ये 2 कलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की। तो इसमें हम ये जो टमाटर हैं हम इनको डाल, 2 टमाटर मैंने डाल दिए, छोटे 2 टमाटर मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड है, इनको भी मैं डाल दूंगी उबलने के लिए। और साथ में ये 2 कलियां लहसुन की, बस 2 ही लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे कि आपको मालूम है। ये उबलने रख दिए मैंने, अब 3-4 उबाले आएंगे इसमें। जब ये छिलक इनका उतरने लगेगा टमाटर का, तब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूं। तो इनके छिलक उतरने वाले हैं, काफी उबाले आ गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया पानी से, और मैं लहसुन भी निकाल लिया पानी से। अब बस थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर इनके छिलक मैं उतार दूंगी अपने हाथों से। मैं टमाटर को उबालने के लिए रखा था, तो ये वो वाला पानी है जब मैंने उबाला था उसका पानी है। देखो आप देख सकते हो हल्का रेड रेड हो गया। जब मैं टमाटर को अब ग्राइंड कर लूंगी तो उसके बीच में जब मेरे को सूप बनाना होगा, पानी डालना होगा, तो मैं ये वाला पानी यूज करूंगी। तो मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं और ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर यूज करें, मिक्सर है तो मिक्सर यूज करें। मैंने टमाटोज को पीस लिया है, ये 0 ऑयल कुकिंग है, इसमें मैंने कोई ऑयल घी कुछ भी नहीं डाला है, बस टमाटो को भी पीसा है और लहसुन का पीस लिया है। अब इसमें उनसे ये वाटर था, ये मैं सारा इन डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। तो इतना समय इसमें नमक डालूंगी, रात का टाइम है तो आप नमक थोड़ा कम ही लें। काली मिर्च 2-3 उबाले आ जाएंगे बस, इसको फिर हॉट हॉट सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म सूप रेडी हो चुका है, इसको मैंने छाना नहीं है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी इसका हम पील ऑफ कर चुके थे, इसका हमने छिलका उतार दिया था, तो इसको छानने की जरूरत नहीं है। और उसमें कुछ भी कलर मैंने ऐड नहीं किया आर्टिफिशियल। डिनर के लिए मेरा ये सूप टोमेटो सूप रेडी हो चुका है, इसके ये हाई इन फाइबर है, इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मैंने डाला है और ये वेट लूज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नाइट में मैं हमेशा हल्का इंक्लूड करती हूँ अपना खाना, तो नाइट में मैंने आज सूप इंक्लूड किया है। कभी मैं सोते वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, कभी मैं खिचड़ी, कभी दलिया, कभी दाल ले ली, तो आज मैंने सूप टोमेटो सूप बनाया, वेट लूज टोमेटो सूप, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी आर्टिफिशियल कलर इंक्लूड नहीं किया, तो ये वेट लूज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको डेली रात में अपने डिनर में इंक्लूड करोगे तो आपका 1 महीने में कम से कम 7 से 8 किलो
वजन जाएगा ही जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप ट्राई करें इसको। मैंने अपना डिनर डन कर लिया, 6 बजे मैंने अपना डिनर डन कर लिया था। आपको 6 या 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। और जो मैंने 5 गोल्डन रूल्स आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, उनका आप जरूर अपने लाइफस्टाइल में यूज करें, ताकि आपका जल्दी वेट लूज हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो आज बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।